हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं धीरज कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन योर फ्यूचर में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं पर्सनालिटी टू का सी। यदि आप कॉपी पेन लेके नहीं बैठे तो प्लीज़ कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और इसका एक नोट्स बना लीजिए, ठीक दोस्तों, जिससे कभी आपको कोई बीच प्रॉब्लम आए तो आपका नोट्स हेल्प कर दे, ठीक दोस्तों। तो चलिए हम सबसे पहले देख लेते हैं पर्सनालिटी टू का सी। पर्सनालिटी टू के सी के बारे में पहले समझ लेते हैं, इसमें क्या है, कौन सी कंसेप्ट का प्रयोग करना होता है, किस सूत्र का प्रयोग किया जाएगा। चलिए हम उसको देख लेते हैं, ठीक दोस्तों। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़े हैं द्विघात बहुपद। तो इस चैप्टर में हम त्रिघात बहुपद के बारे में बताएंगे, ठीक दोस्तों। यदि आपने पर्सनालिटी टू का भी नहीं देखा है तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं, ठीक दोस्तों। तो हम पहले आपको बता दें त्रिघात समीकरण के बारे में। तो इसका लिखिए त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद देख लीजिए दोस्तों, त्रिघात बहुपद है क्या। त्रिघात बहुपद एक फार्मूला इससे दिया रहेगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस डी, इसी के रूप में आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक दोस्तों। इस चैप्टर में जब भी क्वेश्चन आएगा इसी के रूप में आएगा, त्रिघात के रूप में, ठीक दोस्तों। अब आपको इसमें से इसके कितने शून्यक हैं, तो इसके हमारे कितने शून्यक रहेंगे, तीन शून्यक मान लेते हैं। माना इसके तीन शून्यक, ठीक दोस्तों। तो इसके शून्यक क्या हो जाएंगे, मान लीजिए पहला अल्फा, दूसरा बीटा, तीसरा क्या हो जाएगा, गामा। अल्फा बीटा गामा, इसके तीन शून्यक हो जाएंगे, ठीक दोस्तों। अब तीन शून्य जब पता हो जाएगा तो सबसे पहले हम इसका क्या निकालते हैं, योगफल, शून्यकों का योगफल निकालते हैं, ठीक दोस्तों। तो लिख दीजिए शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल बराबर हो जाएगा दोस्तों माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है इसका। तो लिखेंगे यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक, ठीक है दोस्तों। तो अब मेन फार्मूला हमारा ये ही हो जाएगा, शून्यकों का योगफल बराबर निकलेगा दोस्तों माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। अब देख लीजिए शून्यकों का योगफल, हमारे शून्य क्या क्या हैं, अल्फा बीटा और गामा, यानी इनका योगफल। तो हम क्या लिख लेंगे, अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा बराबर माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो माइनस लगा ही रहेगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या दिख रहा है आपको, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, बी, तो क्या हो जाएगा, बी। और नीचे एक्स क्यूब का गुणांक क्या है दोस्तों, ए, ठीक है। यहाँ देखिए एक्स क्यूब का गुणांक क्या है, ए। तो यही आपका फार्मूला निकलेगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी अपान ए, ठीक दोस्तों। शून्यकों का ये योगफल था। तो अब देखिए दोस्तों शून्यकों के गुणनफल का योगफल, तो यहाँ लिखिए शून्यकों के गुणन फल का योगफल, ठीक है दोस्तों। तो अब हम निकालेंगे शून्यकों के गुणन फल का योगफल। तो इसका निकालने के लिए क्या लिखेंगे दोस्तों, एक्स का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक, ठीक दोस्तों। तो शून्यकों का गुणनफल का योगफल, यानी हम इसके गुणनफल का योगफल निकालेंगे, तो सबसे पहले क्या करना होगा आपको, यहाँ लिख देना है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर एक्स का गुणांक। तो एक्स का गुणांक क्या हो जाएगा दोस्तों, सी, और एक्स क्यूब का गुणांक क्या निकलेगा, ए। तो आपका दूसरा फार्मूला निकल गया, अल्फा प्लस बीटा गामा गामा अल्फा बराबर सी अपान ए, ठीक दोस्तों। अब हम निकाल लेते हैं शून्यकों का गुणनफल बराबर हो जाएगा दोस्तों माइनस अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक, ठीक है दोस्तों। तो अब आपको क्या करनी है, शून्यकों का गुणनफल, तुम्हारे शून्य किसमें क्या है, अल्फा बीटा और गामा, तो लिख लीजिए अल्फा बीटा गामा का अचर पद माइनस क्या हो जाएगा, डी, और एक्स क्यूब का गुणांक क्या होगा, ए, ठीक दोस्तों। तो
तो यही आपका तीन फार्मूला निकलेगा, इन्हीं तीन फार्मूला से आपके क्वेश्चन को हल करना है। ठीक दोस्तों, तो चलिए हम अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समझ गया फार्मूला, इसी फार्मूले से आपको हल करनी है। अब इस फार्मूले से हम का प्रयोग करके हम क्वेश्चन को हल करेंगे। चलिए देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर एक बोला है, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उनकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। ठीक दोस्तों, पहले जो शून्यक दिए गए हैं उनको ज्ञात करना है। पहले शून्यक जो दिए गए हैं उनको चेक करेंगे कि उनके शून्यक हैं या नहीं है, त्रिघात बहुपद के शून्यक हैं या नहीं है। उसके बाद हमको क्या बताना है, उनके बीच का संबंध बताना है। ठीक दोस्तों, बोला है शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता जांच करनी है, सत्यापित करनी है। ठीक दोस्तों, तो चलिए हम हल कर लेते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पहले का पहला दिया है 2x³ + x² - 5x + 2। ठीक दोस्तों, और इसके शून्यक क्या क्या दिए हैं लिख लीजिए, शून्यक इसके शून्यक दिए हैं 1/2, -1, -2। ठीक है दोस्तों, अब हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक, चलिए अब हल करते हैं, लिखिए यहाँ पे हल। ठीक है दोस्तों, तो इसको इसे उतार लीजिए, 2x³ + x² - 5x + 2। ठीक दोस्तों, अब आपको क्या करनी है, जो शून्यक दिया है वहाँ पे पहले बारी बारी से x का मान रखिए, शून्य आ जाएगा तो यानी इस त्रिघात बहुपद के गुणांक हैं। ये तीनों चेक कर लीजिए, पहले इसके गुणांक हैं या त्रिघात बहुपद के गुणांक हैं या नहीं। तो पहले इसका हम मान रखेंगे, तो हम सबसे पहले क्या रखेंगे, x = 1/2 पर, तो लिखिए x = 1/2 पर। ठीक है दोस्तों, तो 1/2 अब क्या रखेंगे, 2, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर क्या रख दीजिए, 1/2 रख दीजिए। तो चलिए यहाँ 2 है तो 2 को ऐसे ही लिख लीजिए, गुणते एक्स, एक्स का मान कितना रखना है, 1/2, 1/2 का हम क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे, प्लस x² यानी एक्स का मान कितना रखेंगे, 1/2, इसका पूरे का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक दोस्तों, -5 × x का मान कितना है, 1/2 और प्लस क्या, 2। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्या करनी है आपको, सबसे पहले इतना करने के बाद अब हम 2 को ऐसे ही रहने देंगे, इसका क्यूब है तो 1 का क्यूब 1 ही आएगा और 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 8, प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, -5 × 1 = 5, और नीचे कितना दोस्तों, 2, और प्लस क्या है, 2। ठीक है, अब इसको काट देंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8। ठीक दोस्तों, तो ऊपर कितना आ जाएगा, 1/4 प्लस 1/4 -5/2 और प्लस 2। ठीक है दोस्तों, अब क्या करनी है, इसको देख ले, नीचे हर समान है, 4 4 है तो जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा, नीचे 4 ही रहेगा, ऊपर 1 1 2 हो जाएगा, -5/2 प्लस 2। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे आप, देखिए 2 1 = 2, 2 2 = 4, यानी 1/2 कितना हो जाएगा, 2 - 5/2 और प्लस 2। अब इसका हम गुणा कर लेते हैं, 1/2 और प्लस 2 को एक साथ लिख देते हैं। ठीक है, और -5/2। ठीक दोस्तों, चलिए अब देख लेते हैं, इसका गुणा करेंगे, 2 2 = 4 और 4 1 = 5 हो जाएगा, तो लिख दीजिए 5/2 - 5/2। तो 5/2 से 5/2 कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में, तो बराबर में कितना आ जाएगा दोस्तों, 0, यानी 1/2 इस त्रिघात बहुपद का शून्यक है। अब हम क्या लेंगे, x = 1 पर, तो लिख लीजिए x = 1 पर। ठीक दोस्तों, तो x = 1 पर हल करेंगे, देखिए जहाँ जहाँ क्या है, x है वहाँ कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 1 का मान यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1³ + 1² - 5 × 1, x जहाँ है वहाँ क्या हो जाएगा, 1 + 2। ठीक दोस्तों, अब क्या करेंगे, 2 ऐसे रहेगा, 1³ 1 ही आएगा, प्लस 1² 1 ही आएगा, -5 × 1 = 5 + 2। ठीक दोस्तों, इसको हल कर लीजिए, 2 1 = 2 यानी 2 आ जाएगा, और यहाँ पे देखिए +1 और -5 + 2। अब इसको जोड़ लीजिए, देखिए
जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 1 2 4 1 5 और माइनस कितना 5, 5 से 5 क्या हो जाएगा दोस्तों, कट जाएगा, तो बराबर में क्या आ जाएगा 0। ठीक है दोस्तों, बराबर में क्या आ गया 0, यानी हमारा जो 1 है ये भी क्या है, त्रिघात बहुपद का शून्यक है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट रख लेते हैं x बराबर माइनस 2 पर। ठीक दोस्तों, तो जहाँ जहाँ अब आपको क्या करना है, x है वहाँ क्या रखेंगे, माइनस 2 रख देंगे। तो पहले यहाँ क्या है लिख लीजिए, 2 इंटू एक्स है यहाँ पे ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोस्तों x है, तो x का मान क्या रखेंगे, माइनस 2 का क्यूब प्लस, यहाँ देखिए दोस्तों प्लस है, फिर एक्स स्क्वायर, तो एक्स का मान कितना, माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस 5 इंटू एक्स का मान दोस्तों माइनस 2 और प्लस 2। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे देख लीजिए, 2 ऐसे रहेगा, 2 का क्यूब करेंगे तो क्या है, 2 दूनी 4 दूनी 8, और क्यूब में माइनस माइनस रहता है, विषम घात में हमेशा माइनस रहता है। ठीक दोस्तों, और प्लस, अब देखिए सम घात है, सम घात में माइनस हट जाएगा, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, और माइनस माइनस प्लस, 5 दूनी 10। ठीक दोस्तों, और प्लस 2, अब क्या करेंगे, 8 दूनी 16, माइनस 16 हो जाएगा, प्लस 10 4 14 2 16, 16 से 16 क्या हो जाएगा दोस्तों, कट जाएगा, क्योंकि प्लस में ये माइनस में, तो क्या आ जाएगा 0, यानी जो माइनस 2 था x बराबर 2, यानी माइनस 2 भी क्या है, इस त्रिघात बहुपद का शून्यक है। इतना बोला था, इतना हो गया उनकी, बोला था शुरू में ना दोस्तों कि बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उनकी शून्यक हैं, तो ये शून्यक हैं कि नहीं है चेक कर लेते हैं, तो यानी ये शून्यक हैं, x बराबर 1/2, x बराबर 1/2 भी शून्यक है, x बराबर 1 पर भी शून्यक है, और x बराबर -2 पर भी क्या है, ये शून्यक है, इस जो त्रिघात बहुपद दिए हैं ये तीनों इसके शून्यक हैं। अब आपको क्या करनी है, शून्यक निकल जाएगा तो इनके गुणांकों के बीच के हमें क्या निकालना है, संबंध निकालना है। ठीक दोस्तों, सत्यापित करने के लिए बोला है, संबंध को सत्यापित कीजिए, तो संबंध को सत्यापित करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, चलिए देख लेते हैं। अब आप यहां पे लिखिए दोस्तों, शून्यकों और गुणांकों के, ये शून्यकों और गुणांकों के बीच की संबंध या का संबंध, बीच का यहाँ का रहेगा, ठीक है दोस्तों, बीच का संबंध, संबंध। अब आपको यही ज्ञात करनी है, संबंध की सत्यता ज्ञात करनी है, संबंध सत्यापित करनी है, तो यहाँ लिख दिए संबंध सत्यापित, सत्यापित करनी है, तो हमें क्या लिखे, संबंध तक लिख लेना है, उसके बाद हम तो सत्यापित करेंगे ही दोस्तों, बता रहे हैं आपको, तो लिखिए संबंध सत्यापित। तो सबसे पहले क्या करनी है आपको, संबंध निकालना है, तो शून्यकों का योगफल, यहाँ पहले क्या दिया था, हमारा त्रिघात बहुपद दोस्तों दिया था 2x³ प्लस x² माइनस 5x और प्लस 2। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पे आप a का मान निकाले, a बराबर निकालें कितना निकलेगा 2, b बराबर 1, c बराबर माइनस 5, ये c का मान हो जाएगा, और d बराबर अचर पर 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये d का मान, यहाँ a का मान, यहाँ b का मान, यहाँ पे कितना है a का मान। ठीक दोस्तों, इतना मान निकालने के बाद आपको निकालना है शून्यकों का योगफल। ठीक दोस्तों, तो शून्यकों का योगफल बराबर फार्मूला क्या होता है, अभी बताएगा दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी अपान ए। ठीक दोस्तों, तो अब क्या करेंगे, अल्फा, अल्फा का मान कितना निकला था शुरू में, वो जो मेरे शून्यक दिए गए हैं वही मेरे अल्फा बीटा, तो यहाँ लिख लीजिए अल्फा बराबर 1/2 दिया था, बीटा बराबर क्या दिया है 1 दिया है, और गामा बराबर क्या दिया दोस्तों -2, इसी मान को रखकर हम यहाँ पे हल करेंगे, अल्फा बराबर कितना दिया दोस्तों 1/2, तो यहाँ लिखिए 1/2 प्लस बीटा बराबर 1 और गामा बराबर, तो यहाँ माइनस से माइनस 2 दिया है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -2 बराबर माइनस बी, बी का मान कितना दिया दोस्तों 1/a का मान 2। ठीक दोस्तों, अब चलिए इसको हम हल कर लेते हैं, तो देखा जाए 2 में से 1 में से 2 घटाएं कितना चाहिए दोस्तों, या तो कितना चाहिएगा -1, या तो ऐसे कर लीजिए 2 1 2 3, 3/ क्या हो जाएगा 2 - 2 बराबर -1/2। अब 2 2 4 में से 3 घटे कितना बचेगा दोस्तों -1/2 बराबर -1/2, तो आपकी योगफल क्या हो गई, सत्यापित हो गई दोस्तों, बराबर आया दोनों तरफ ना, तो यानी योगफल जो हो गया आपका सत्यापित हो गया दोनों तरफ, देखिए -1/2 इस तरफ भी आया, -1/2 इस तरफ भी आया, तो यानी जो आपका योगफल है ये आपका सत्यापित
हो गया, शून्य शून्य को और गुणांकों के बीच की संबंध निकल गया। इसका संबंध दोनों तरफ क्या निकला दोस्तों, बराबर निकला। अब हम क्या निकाल लेंगे, ये तो योगफल निकला, अब योगफल के बाद दो शून्यांकों के गुणनफल का योगफल निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो शून्यांकों के गुणनफल का योगफल निकालने के लिए हमारा फार्मूला क्या था, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी अपान ए। ठीक है दोस्तों, ये आपका फार्मूला है। तो अब देखा जाए अल्फा बीटा, अल्फा का मान कितना दिया 1/2, तो 1/2 रखेंगे। बीटा का मान कितना दिया दोस्तों 1, तो 1 हो जाएगा प्लस बीटा का मान 1, गामा का मान -2 प्लस गामा का मान -2 गुणते ए का मान दोस्तों 1/2 बराबर सी। सी का मान कितना निकला दोस्तों -5 अपान ए का मान 2। ठीक दोस्तों, तो वही रख देंगे। अब एक का एक में गुणा करेंगे 1/2 ही आ जाएगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, प्लस माइनस -2 हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2/1/2 बराबर -5/2। ठीक दोस्तों, यहाँ 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तब यहाँ बचेगा दोस्तों 2/1/2 माइनस 2 और माइनस यहाँ कितना बच जाएगा 1 बराबर -5/2। ठीक है दोस्तों, समझ आया यहाँ तक। अब क्या करेंगे, देखिए जुड़ जाएगा, देखिए इसको जोड़ लीजिए, 2 1 कितना हो जाएगा 3, तो 1/2 माइनस क्या लिख सकते हैं 3 बराबर -5/2। ठीक है, अब देखा जाए तो 2 3 6 माइनस में हो जाएगा और 6 में से एक घटे कितना चाहिए दोस्तों -5/2 बराबर -5/2। ठीक दोस्तों, तो अब देखा जाए इनके शून्य गुणा शून्यांकों और गुणांकों के बीच का संबंध क्या दोनों में दोस्तों बराबर आया। ठीक है, एक तभी अब हम निकालेंगे शून्यांकों के बीच का गुणन फल। तो शून्यांकों के बीच का गुणन फल क्या था दोस्तों, अल्फा बीटा गामा बराबर -D/A। ठीक है, तो अल्फा का मान कितना दिया दोस्तों 1/2 गुणते बीटा का मान 1 इंटू गामा का मान -2। ठीक दोस्तों, बराबर डी माइनस डी का मान दिया दोस्तों यहाँ पर देखिए 2, तो जहाँ डी वहाँ क्या रख देंगे दोस्तों 2/A का मान 2 ही है। ठीक है, तो रख दीजिए, यहाँ देखिए 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा क्या 1 का 1 माइनस 1 बचेगा बराबर, यहाँ देखिए 2 से 2 कट जाएगा, तो इस तरफ क्या बचेगा दोस्तों -1, ये भी क्या हो गया दोस्तों आपस में बराबर आ गया। तो यही आपको अंत में लाना था, इनके बीच की संबंध लाना था कि जो योगफल है वो V/A के मतलब बराबर आना चाहिए दोनों तरफ, जो क्या बोला था शून्यकों के गुणनफल का योगफल आपस में बराबर होना चाहिए और शून्यांकों के गुणनफल भी आपस में बराबर होना चाहिए, तो दिया गया था। ठीक दोस्तों, तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। चलिए हम पहले का अब दूसरा देख लेते हैं। ठीक दोस्तों, चलिए देखिए दोस्तों पहले का दूसरा है दोस्तों, इसमें दिया है x³ - 4x² और +5x - 2 कामा, इसके शून्यक क्या क्या दिए हैं उसको लिख लीजिए। शून्यक, तो इसके शून्यक दिए गए हैं 2, 1, 1। ठीक है दोस्तों, इसके शून्यक दिए गए हैं 2, 1, 1। चलिए अब हम इसको हल कर लेते हैं, क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करनी होगी, जितने भी मान दिए गए उसका हम शून्यक पहले चेक करेंगे कि ये सही, इसका सच में इसका शून्यक है या नहीं है। तो सबसे पहले शून्यक हमारा क्या दिया गया है 2, तो x बराबर हम क्या रखेंगे 2, तो x बराबर 2 पर, तो चेक करेंगे x बराबर 2 रखकर, तो जहाँ x है वहाँ कितना रखेंगे 2 का क्यूब - 4 × x² + 5 × x² - 2। ठीक दोस्तों, 2 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा 8 - 4 × 2² = 4 + 5 × 10 - 2। ठीक है दोस्तों, आप क्या करेंगे 8 ऐसा ही रहेगा, अब 4 × 16 + 10 ऐसा ही रहेगा, -2 भी ऐसा ही रहेगा। अब देखिए जो प्लस में उसको जोड़ लीजिए, तो 10 और 8 कितना हो जाएगा 18 और 16 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 18, माइनस माइनस जुड़ जाएगा प्लस प्लस, तो 18 से 18 क्या हो जाएगा कट जाएगा यानी 0 आ जाएगा। हम अतः हम कह सकते हैं कि x बराबर जो 2 दिया गया शून्य, तो 2 शून्यक मेरा है। अब 1 को भी चेक कर लेते हैं, ठीक है, तो x बराबर 1 पर, ठीक, तो अब 1 को चेक करेंगे, तो जहाँ जहाँ क्या है क्यूब वहाँ पे एक्स रख दिया, एक्स है वहाँ पे 1 रखेंगे, तो 1 का क्या हो जाएगा क्यूब माइनस 4x² यानी 1 का² + 5 × x का मान 1 - 2। ठीक है दोस्तों,
एक का क्यूब करेंगे कितना आएगा, एक माइनस चार, एक का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, एक प्लस पाँच इक्का पाँच माइनस दो, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे, एक ऐसे ही रहेगा माइनस चार इक्का चार और प्लस पाँच माइनस दो। अब इसको जोड़ लीजिए आप, पाँच एक कितना हो जाएगा छः हो जाएगा, और माइनस जोड़ दीजिए चार दो कितना हो गया छः, अच्छा से अच्छा कटा कितना दोस्तों आ गया शून्य, यानी एक भी क्या है आपका शून्य है। तो एक और भी दिया है, अलग से भी दिया है, तो यानी ये भी एक क्या हो जाएगा आपके शून्य हैं। इसी तरह आप इस एक को भी निकाल लीजिए, जैसे देखिए x बराबर दो पे निकाले हैं, एक पे निकाले हैं, तो ये जो तीसरा एक दिया है ये भी उसका क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा, क्योंकि एक पर शून्य हो गया तो तीसरा जो एक दिया है वो भी क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम आगे देख लेते हैं, ठीक है। तो अब आपको बताना शून्यांकों और गुणनखंडों के बीच संबंध की सत्यता बतानी, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, अब देखिए शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता लिखिए यहां पे, शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता या सत्यापित करना, ठीक है सत्यता। तो सत्यापित करने के लिए बोला था, हम सत्य निकाल लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करनी होगी, जो समीकरण दिया उसको लिख लीजिए। समीकरण क्या दिया है, एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस टू, ठीक दोस्तों। और आपके शून्यक दिए गए हैं, शून्यक अल्फा बराबर कितना दिया है दो, बीटा बराबर एक, और गामा बराबर भी कितना दिया है एक दिया है, ठीक दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप शून्य को यहाँ ए का मान निकालें, कितना निकलेगा एक, बी बराबर माइनस चार, सी बराबर पाँच, और डी बराबर माइनस दो निकलेगा। अब आप क्या करिए, शून्यकों का योगफल निकाल लीजिए, ठीक दोस्तों। तो यहाँ लिखिए शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी अपान ए, ठीक है दोस्तों। तब देखा जाए अल्फा का मान कितना है दो, प्लस बीटा का मान एक, प्लस गामा का मान एक बराबर माइनस बी, बी का मान दोस्तों कितना दिया है माइनस चार, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस चार बटे ए का मान एक, ठीक है। तो ये प्लस चार है तो दो दो चार, इधर भी क्या आ गया चार, ठीक दोस्तों। चार एक का नीचे वैल्यू नहीं होगा, तो चार इस तरफ भी और इस तरफ भी, ठीक दोस्तों। तो चार आपस में क्या हो गए बराबर, इनकी संबंध जो है वो आपस में सत्य है, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं दोस्तों, शून्यांकों के बीच का योगफल निकल गया, अब हम निकाल लेंगे शून्यांकों के बीच का क्या के गुणनफल का योगफल। तो लिख लिया यहाँ पे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ठीक है दोस्तों। इतना लिखने के बाद अब आपको क्या करनी है, बराबर यक्स बटे सॉरी सी बटे ए होता है, ठीक है। यहाँ क्या होता है सी अपान ए, तो अल्फा का मान कितना दिया है यहाँ पे देखिए दोस्तों दो, तो यहाँ लिखेंगे दो गुणते बीटा का मान एक, प्लस बीटा का मान एक, गामा का मान एक, प्लस गामा का मान एक, गुणते अल्फा का, ये अल्फा है, अल्फा का मान दो, बराबर सी का मान कितना दिया दोस्तों यहाँ देखिए पाँच, और ए का मान दोस्तों एक, बट्टे में कितना हो जाएगा एक, तो दो एक का दो प्लस एक एक का एक प्लस दो एक का दो बराबर पाँच बटे एक, ठीक दोस्तों। अब इसको जोड़ेंगे दो एक तीन दो पाँच बराबर कितना आ गया पाँच, तो ये भी इसकी संबंध की सत्यता जो निकली ये भी क्या हो गई दोस्तों सत्य हो गई। अब हम क्या निकाल लेंगे इनका गुणनफल, शून्यांकों का क्या निकाल लेंगे गुणनफल। तो शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस डी अपान ए, ठीक है दोस्तों। तो अल्फा का मान कितना दिया है दो, बीटा का मान एक, इंटू गामा का मान एक बराबर माइनस डी, डी का मान कितना दिया दोस्तों माइनस दो, तो यहाँ लिखिए माइनस दो अपान एक। अब दो एक का दो माइनस माइनस प्लस बराबर में दो, तो ये भी आपस में क्या हो गया दोस्तों दो बराबर दो है, यानी ये भी क्या है सत्य है, ठीक दोस्तों समझ आए। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर दो, तो क्वेश्चन नंबर दो बोला है कि दिए गए त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए, हमें क्या बताना है इसमें दोस्तों, त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यांकों का योग कामा शून्यांक
दो शून्यांकों के साथ लिखकर उनके गुणनफलों का योग, ठीक है, तथा तीन शून्यांकों का गुणनफल दिया है। ठीक है दोस्तों, इतना दिया है और आपसे पूछ रहा है त्रिघात बहुपद, तो आपको जो जो दिया है उसको पहले लिख लीजिए। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर दो दिया है दोस्तों, जो दो दिया है दो में उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखिए दिया है, दिया क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर दिया है दोस्तों दो, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर दिया है दोस्तों माइनस सात। तीसरा दिया है अल्फा बीटा गामा बराबर दिया है दोस्तों माइनस चौदह। ठीक है दोस्तों, अब आपको हम बता दें त्रिघात बहुपद का फार्मूला क्या होता है। देख लीजिए त्रिघात बहुपद का, यहाँ लिखिए त्रिघात बहुपद, तो त्रिघात बहुपद के लिए फार्मूला क्या होगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सॉरी यहाँ पे क्यूब हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का एक्स का स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, बगल में क्या एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। ठीक दोस्तों, यही आपका क्या है फार्मूला है। तो चलिए इसमें हम रख लेते हैं, एक्स क्यूब ऐसे ही रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना दिया दोस्तों दो, तो यहाँ क्या रख देंगे दो, बगल में क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर कितना दिया दोस्तों माइनस सात, तो माइनस सात बगल में क्या हो जाएगा एक्स माइनस, यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे, अल्फा बीटा गामा का मान कितना दिया दोस्तों माइनस चौदह, तो यहाँ क्या लिख लेंगे हम माइनस चौदह। ठीक है, तो एक्स क्यूब ऐसे ही रहेगा माइनस टू एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा प्लस माइनस, माइनस हो जाएगा सेवन एक्स माइनस माइनस प्लस क्या निकलेगा दोस्तों चौदह, तो यही आपका त्रिघात समीकरण हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर तीन। क्वेश्चन नंबर तीन है आपका, यदि बहुपद एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन के शून्यक ए माइनस बी कामा ए प्लस बी हो तो ए तथा बी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो पहले इसका जो तीसरे का बहुपद दिया है उसको हम लिख लेंगे, क्या दिया है एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक दोस्तों, अब इसका शून्यक दिया है, शून्यक भी लिख लीजिए, शून्यक शून्यक दिया है इसका a माइनस बी कामा ए प्लस बी। ठीक है, अब इसमें a का मान ज्ञात करना है और b का मान ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, जिसका मान ज्ञात करना है उसको लिख लेते हैं। अब चलिए इसको हम हल करते हैं, तो सबसे पहले आप लिखिए यहाँ पे हल। ठीक है दोस्तों, हल लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो देखिए पहले जो समीकरण दिया है उसको लिख लीजिए, समीकरण क्या दिया है एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक दोस्तों, इसमें से ए बी सी और डी का क्या निकालेंगे, पहले हम मान निकालेंगे, तो ए बराबर निकालेंगे कितना आएगा एक, बी बराबर निकालेंगे तो माइनस तीन, सी बराबर निकालेंगे तो एक, और डी बराबर निकालेंगे तो भी कितना आएगा दोस्तों एक आएगा। ठीक है, क्योंकि जो एक्स एक्स क्यूब के पहले का मान होता है वो ए का मान होता है, एक्स स्क्वायर के पहले का मान जो होता है वो बी का होता है, एक्स के पहले का मान जो होता है वो सी का, और जो अचर पद होता है वो किसका मान होता है दोस्तों डी का। ठीक है, अब हम निकालेंगे शून्यकों का योगफल, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, त्रिघात के शून्यकों का योगफल यही होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस बी अपान ए, यही होता है। तो देखिए पहला शून्य क्या दिया, अल्फा माइनस ए माइनस बी, यानी ये अल्फा का मान हो गया, ये बीटा का मान हो गया, ये किसका मान हो गया दोस्तों गामा का। ठीक है, तो रख लीजिए अल्फा का मान क्या है ए माइनस बी, तो यहाँ लिखेंगे ए माइनस बी प्लस बीटा का मान क्या दोस्तों ए प्लस गामा का मान क्या है ए माइनस ए प्लस बी। ठीक दोस्तों, बराबर माइनस बी, बी का मान कितना दिया दोस्तों माइनस तीन, तो माइनस क्या लिख लेंगे तीन बटे ए का मान एक दिया है एक लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ से बी क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो ए ए ए कितना हो जाएगा थ्री ए बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों थ्री, ए बराबर निकालेंगे तो थ्री अपान
थ्री बचेगा, थ्री से थ्री क्या हो जाएगा दोस्तों, कट जाएगा, तो तीन एक का क्या हो गया तीन, ए बराबर कितना निकला दोस्तों एक, ए का मान कितना निकल गया एक, तो अब हम क्या निकालेंगे बी का मान निकालेंगे। तो बी का मान निकालने के लिए अब हम शून्य को के गुणनफल का क्या निकाल लगाएंगे सूत्र लगाएंगे, शून्य को गुणनफल के योग का सूत्र लगाएंगे। तो उसका फार्मूला होता है दोस्तों अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर दोस्तों होता है फार्मूला सी अपान ए। अब देखिए अल्फा का मान कितना दिया ए माइनस बी, तो लिख लीजिए ए माइनस बी, और बीटा का मान क्या दिया ए तो ए लिख लीजिए, प्लस बीटा, बीटा का मान कितना दिया दोस्तों ए तो ए लिख लीजिए, और गामा का मान दिया ए प्लस बी तो ए प्लस क्या लिख लेंगे बी, प्लस गामा का मान क्या दिया दोस्तों ए प्लस बी तो ए प्लस बी लिख लीजिए, इंटू ए का मान दिया क्या ए माइनस बी बराबर सी अपान ए, तो सी का मान कितना दिया दोस्तों एक, और अपान ए का मान कितना दिया दोस्तों एक, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए इसका हम क्या करेंगे कोष्टक में गुणा करेंगे, ए का ए में करेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए का बी में करेंगे तो क्या होगा ए बी, प्लस ए का ए में होगा तो ए स्क्वायर, ए का बी में होगा तो दोस्तों आएगा ए बी प्लस। अब ध्यान दीजिए ए का ए में होगा, देखिए एक कोष्टक प्लस में कोष्टक में माइनस में तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बट क्या आएगा एक बटे एक का मान एक ही आता है, ठीक दोस्तों। तो ए बी से ए बी क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे कट जाएगा क्योंकि ये माइनस में ये किस में प्लस में। अब ध्यान दीजिए ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर जुड़ क्या हो जाएगा थ्री ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बराबर कितना वन, और हमें इसमें किसका मान निकालना है बी का निकालना है ना, तो चलिए हम बी का मान निकाल लेते हैं। अब देखिए थ्री ऐसे ही रहेगा इंटू ए का मान कितना निकला है यहाँ पे एक, तो एक का क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक, ठीक है। अब थ्री को ऐसे रहने दो, एक का स्क्वायर करोगे तो एक ही आएगा माइनस बी स्क्वायर बराबर एक, तीन एक का तीन, तीन को उस तरफ भेज दोगे तो क्या आएगा माइनस बी स्क्वायर बराबर वन माइनस क्या हो जाएगा थ्री हो जाएगा, ठीक है। अब घटा दो तो माइनस बी स्क्वायर बराबर घटाएंगे क्या आएगा माइनस टू, माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे कट जाएगा, ठीक है। तो अब क्या निकलेगा दोस्तों बी स्क्वायर बराबर दो निकलेगा, और किसी भी संख्या से अगर स्क्वायर हटता तो अगले संख्या क्या लग जाता है प्लस माइनस करणी के अंदर, करणी में लचली जाती है तो करणी के अंदर कितना आ जाएगा दोस्तों दो आ जाएगा। तो आपका इसमें दो आंसर निकलेगा, ये ए का निकला मान एक क्या निकला बी का मान, तो ए बराबर आपका निकला है एक और बी बराबर निकला है प्लस माइनस रूट में टू, तो यही आपका दोनों क्या हो जाएंगे दोस्तों आंसर हो जाएंगे, ठीक है समझा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर चार। क्वेश्चन नंबर चार है आपका, यदि बहुपद एक्स क्यूब प्लस नाइन एक्स स्क्वायर दिया है, एक्स क्यूब प्लस नाइन एक्स स्क्वायर और प्लस बीस एक्स और प्लस बारह बारह है, तो इसके शून्यकों को ज्ञात कीजिए, ठीक दोस्तों। इसका हमें क्या निकालना है शून्यक निकालना है, क्या निकालना है दोस्तों शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले आपका इसका गुणनखंड पता होना चाहिए, तो सबसे पहले चलिए हम इसका क्या करेंगे दोस्तों गुणनखंड निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पे लिखिए आप हल, हल लिखने के बाद आपका क्या करना है इसको सेम सेम लिख लेना है, एक्स क्यूब प्लस नाइन एक्स स्क्वायर प्लस बीस एक्स प्लस बारह बराबर आपको क्या मान लेनी है जीरो मान लेनी है, ठीक है। अब आप ऐसा कौन सा संख्या रखें यहाँ पे कि समीकरण पूरा क्या हो जाए शून्य हो जाए, ठीक है। तो हमारा समय x बराबर हम रखने का नियम होता है प्लस माइनस एक रखिए, प्लस माइनस दो, प्लस माइनस तीन, प्लस माइनस चार, प्लस माइनस पाँच, प्लस माइनस डॉट 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 डॉट, ऐसे आप इनफाइनाइट तक कोई भी अंक रख के चेक कर सकते हैं, ठीक दोस्तों। एक बार प्लस में रखिए, एक बार माइनस में रखिए, एक बार प्लस में रखिए, एक बार माइनस में रख, कोई भी संख्या जैसे हमको एक रखना हो गया तो एक को एक बार प्लस में रखेंगे एक बार माइनस में रखेंगे, जो संख्या रखने पर शून्य हो जाएगा वही उसका एक शून्यक निकलेगा, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम यहाँ प्लस सभी समय देखिए यहाँ पे ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, समीकरण हमारा पहले से ही प्लस में दिया गया, अगर हम प्लस लेके रखेंगे तो हमारा मान कटेगा नहीं, जीरो नहीं आएगा, हमें इसमें जीरो लाना है। तो कौन सा मान रखें कि जीरो हो जाए, तो हम माइनस एक रख लेते हैं, जहाँ जहाँ एक से वहाँ क्या रखेंगे माइनस एक, तो माइनस एक का क्या हो जाएगा क्यू प्लस नौ गुणते एक्स का मान कितना रखेंगे एक माइनस एक, तो माइनस एक का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस बीस गुणते एक्स का मान माइनस एक प्लस बारह बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों जीरो हो जाएगा। अब आपको क्या करनी है, ये एक है यहाँ पे माइनस एक का क्यूब करेंगे तो माइनस एक ही आएगा, प्लस नाइन ऐसे रहेगा, माइनस यहाँ एक है, माइनस एक का स्क्वायर करो क्या आएगा दोस्तों एक आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर माइनस हट जाती है, प्लस
माइनस माइनस क्या 20 इक्का 20 प्लस क्या है दोस्तों 12 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, अब क्या करिए इसको देख लीजिए, 9 इक्का क्या होगा, 9 तो माइनस 1 प्लस 9 इक्का 9 माइनस 20 और प्लस 12 बराबर 0। क्या कहते हैं, प्लस को प्लस के साथ जोड़ लीजिए, माइनस को माइनस के साथ, तो हम 20 और 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, देखिए 20 और 9 जोड़ेंगे कितना आएगा दोस्तों, प्लस वाला 21 और 20 से कितना आएगा 21, माइनस माइनस तो बराबर क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ देखा जाए 21 से 21 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 0 आ गया दोस्तों। ठीक है, ये बराबर में क्या आ गया दोस्तों, 0 आ गया। जब 0 आ गया तो यानी इसका एक गुणनखंड क्या क्या रखने पर, x बराबर कितना रखे थे, माइनस 1 पर। तो जब हम x बराबर क्या रखे थे, माइनस 1 रखे थे, माइनस 1 को इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 1। ठीक है, तो माइनस x प्लस 1 क्या है, इसका एक गुणनखंड है। ठीक दोस्तों, x प्लस 1 एक गुणनखंड है, इतना लिख लिए। अब इसका एक गुणनखंड निकल गया, नेक्स्ट गुणनखंड निकाल लीजिए आपको। तो सबसे पहले क्या करना होता है, आप ध्यान दीजिए, नेक्स्ट गुणनखंड निकालने के लिए समीकरण को हम लिख लेते हैं। समीकरण आपका जो दिया है उसको लिख लीजिए। समीकरण आपका क्या दिया है, एक्स क्यूब प्लस 9x² प्लस 20x प्लस 12। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, बराबर में क्या मानना है आपको, 0। अब ऐसा इस खंड बनाइए कि कॉमन लेने पर x प्लस 1 ही आए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करिए, x क्यूब को ऐसे ही रहने दीजिए, प्लस 9x को यहाँ क्या लिख देंगे, x² प्लस, अब यहाँ कितना रखें कि 9 हो जाए, तो अगर हम 8x² रखेंगे तो 8x² और x² मिलकर कितना हो जाएंगे, 9x², अब प्लस, अब 20x को हम क्या रखें, यहाँ पे देखिए 8x रख देते हैं प्लस, अब कितना देखिए 8x कॉमन, अब कितना रखें कि 20x हो जाए, तो 12x रख देंगे, 12 8 कितना हो गया, 20 हो गया, इसको तोड़ देना। ठीक है दोस्तों, और लास्ट में प्लस कितना है, 12 बराबर 0। ठीक है, अब हमें क्या करनी है, सबसे पहले दो दो का जोड़ा बनाना है इसमें। ठीक है, अब देखिए इसमें x² कॉमन दिख रहा है, तो x² को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ कितना चलेगा, एक्स और प्लस 1। इसमें क्या दिख रहा है, 8x, तो इसमें से 8x कॉमन लीजिए, तो बचे कितना दोस्तों, एक्स प्लस 1 प्लस, इसमें से 12 कॉमन दिख रहा है, 12 कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, तो x प्लस 1 सभी में दिख रहा है कॉमन, तो एक्स प्लस 1 को क्या कर लीजिए, कॉमन कर लीजिए, कोष्टक में बचेगा x² प्लस 8x और प्लस 12 बराबर क्या बचेगा दोस्तों, 0 बचेगा। ठीक है, अब सबसे पहले चलिए ध्यान दीजिए, अब क्या करना है आपको, इतना कर लेने के बाद सबसे पहले आप देखिए एक्स प्लस 1 ऐसे ही रहेगा, हमें शून्य निकालना है, सभी को 0 बराबर बनाना है। अब ये शून्य खंड नहीं बना, इसको खंड बनाइए, ऐसा खंड बनाइए कि पहाड़ा पढ़ने पे 12 है, जोड़ने या तो घटाने पे 8 है, तो 6 दूनी 12 और 6 दो कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं x² प्लस 6x प्लस 2x प्लस 12 बराबर 0। यहाँ ऐसे ही रहने दीजिए, x प्लस 1 को ऐसे ही रहने दीजिए, इसको हल कर लीजिए, देखिए दो दो का इसमें जोड़ा बना लीजिए, इसमें से एक x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 6 और प्लस, इसमें से दो कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा दोस्तों, x प्लस 6। ठीक है, बराबर में क्या, 0। तो x प्लस 1 को ऐसे ही रहने दीजिए, अब क्या होगा, यहाँ पे x प्लस 6 मिल रहा है, तो x प्लस 6 को ऐसे लिख लीजिए, अगले कोष्टक में बचेगा x प्लस 2 बराबर क्या, 0। तीन खंड निकल गया दोस्तों, इसका अलग अलग मान हम निकाल लेंगे क्या, 0। तो x प्लस 1 बराबर हम क्या मान लेंगे दोस्तों, 0। तो x बराबर निकलेगा कितना निकलेगा, एक इस तरफ आएगा तो माइनस 1, तो x का एक मान निकला क्या, माइनस 1। दूसरा क्या मान लेंगे, x प्लस 6 बराबर 0 मानेंगे, तो x बराबर क्या निकलेगा, उस तरफ जाएगा तो माइनस 6, तो x का दूसरा मान क्या निकला, माइनस 6। तीसरा निकालेंगे, x प्लस 2 बराबर क्या मानेंगे, 0, 2 उस तरफ जाएगा क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस 2। तो x का हमारा कितना मान निकला दोस्तों, 3 मान निकला, तो x बराबर क्या निकलेगा, माइनस 1 माइनस 6 माइनस 2, यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा, यही आपसे शून्य पूछा था। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पाँच में बोला है, यदि बहुपद एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 का एक शून्यक a है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। पहले बहुपद जो दिया उसको लिख लीजिए, क्या दिया है, एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3। ठीक दोस्तों, अब इसका एक शून्य क्या दिया है, x बराबर क्या दिया है, a, और a का हमें मान ज्ञात करनी है। ठीक दोस्तों,
ए का मान भी ज्ञात करना, ए बराबर दिया है। तो सबसे पहले आपको क्या करनी है, हल लिखना है। हल लिखने के बाद आपको क्या क्या करना है, जहाँ जहाँ यक्स रहेगा वहाँ क्या रख देंगे, ए रख देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए का क्यूब माइनस ए ऐसे ही रहेगा दोस्तों, यक्स का जगह क्या रखेंगे ए, तो ए का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस यक्स जगह क्या रखेंगे ए प्लस 3, ठीक है। और बराबर में क्या मान लीजिए, 0। इसके बराबर में भी क्या मान लीजिए अपने से, 0 मान लीजिए। अब हमें क्या करना है, ए का क्यूब करेंगे तो ए क्यूब आ जाएगा माइनस, ये स्क्वायर है ही यहाँ पे, ए का स्क्वायर करो ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का ए में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा ए क्यूब प्लस ए प्लस 3 बराबर 0। तो ए क्यूब माइनस में ए क्यूब प्लस में क्या हो जाएगा दोस्तों, कट जाएगा। तो ए बराबर निकले क्या दोस्तों, माइनस 3। यही आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही आपसे पूछा था, ठीक दोस्तों। तो अब इस चैप्टर का हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 बोला है आपको, यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 5x² माइनस 2x प्लस 24 के दो शून्यकों का गुणनफल 12 हो, तो इसके शून्यकों को ज्ञात कीजिए। जो इनका शून्यक है दो, जो इनका गुणनफल 12 आया है, तिन्हीं शून्यकों को हमें क्या ज्ञात कर क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले जो इसका बहुपद दिया गया है उसको आप लिख लीजिए, ठीक है। तो इसका बहुपद जो दिया है एक्स क्यूब माइनस 5x² माइनस 2x प्लस 24, ठीक दोस्तों। और इसका दो क्या दिया, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया है, 12 दिया है। यानी जो शून्यकों का गुणनफल दिया है, मान लीजिए कोई दो शून्य अल्फा बीटा का गुणनफल क्या दिया है, 12 दिया है। तो इसके मान लीजिए कितने शून्यक होते हैं, 3 शून्यक होंगे, अल्फा बीटा और गामा होंगे। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। तो हल करेंगे तो क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले आप इसका ए का मान निकालिए, यहाँ से ए का मान निकालें कितना निकलेगा, 1। बी बराबर निकालेंगे तो माइनस 5, सी बराबर निकालेंगे दोस्तों तो माइनस 2, और डी बराबर निकालेंगे तो 24 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करनी है, सबसे पहले आपको फार्मूले में रख देना है। तो फार्मूला आपका क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी अपान ए, ठीक है। अल्फा का मान कितना दिया है दोस्तों, यह कुछ नहीं दिया है ना, तो सबसे पहले क्या निकालिए, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ऐसे रहेगा, माइनस बी, बी का मान कितना दिया दोस्तों, माइनस 5, तो माइनस बी का मान माइनस कोस ऐसे रहेगा, माइनस बी, ए का मान 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी 5 निकलेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये समीकरण आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट मान लीजिए। अब दूसरा होता है अल्फा बीटा प्लस गामा अल्फा बराबर निकालेंगे दोस्तों तो निकलेगा c अपान ए, ठीक है। तो अब देखिए c का मान कितना दिया दोस्तों, माइनस 2, a का मान 1, तो नीचे एक की वैल्यू नहीं थी, बचे कितना दोस्तों, 2। तो ये समीकरण क्या हो जाएगा, सेकेंड। अब हमारा अगला फार्मूला है अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस d अपान ए, ठीक है दोस्तों। तो माइनस ऐसे रहेगा, d का मान 24/1, 1 के नीचे वैल्यू नहीं होगी, बचे कितना दोस्तों, माइनस 24। ये आपका समीकरण क्या हो जाएगा दोस्तों, थर्ड हो जाएगा, ठीक है। अब थर्ड समीकरण जब निकल गया तो अब देखा समीकरण थर्ड से हम हल करते हैं, यहाँ लिखिए समीकरण थर्ड से। तो समीकरण क्या है दोस्तों, थर्ड अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस 24 निकला है, और अल्फा दो शून्यकों का गुणनफल कितना दिया दोस्तों, यहाँ पे देखिए 12, यानी अल्फा बीटा का मान कितना दिया है, 12, तो यहाँ 12 रख देंगे और बचेगा कितना, सिर्फ गामा बराबर माइनस 24, ठीक दोस्तों। गामा बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा, माइनस 24 बटे 12 कहाँ चला जाएगा, बटे में, तो 12 दूना 24, तो गामा बराबर निकालेंगे दोस्तों माइनस कितना बचेगा, 2, ठीक है। तो गामा बराबर निकला कितना दोस्तों, माइनस 2, ठीक है। तो गामा बराबर जब 2 निकला तो गामा का मान समीकरण क्या करेंगे, फर्स्ट में रख देंगे। तो यहाँ लिखिए गामा का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए। तो समीकरण फर्स्ट आपका क्या है दोस्तों, देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो अल्फा प्लस बीटा और गामा का मान कितना दोस्तों, माइनस 2 बराबर, और बराबर में क्या निकला था, 5, ठीक है। बराबर में क्या निकला था दोस्तों, 5, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर निकला था 5, गामा का मान कितना रखे, माइनस 2, 2 उस तरफ जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 5 प्लस क्या हो जाएगा, 2, अल्फा प्लस बीटा बराबर निकालेंगे तो 5 2 कितना निकलेगा दोस्तों, 7 निकलेगा, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा बराबर निकल गया, हमें अल्फा और बीटा का मान
अलग से निकालना, इन्हीं दो का मान निकालना है, इनके गुणनखंड। तो चलिए देख लेते हैं अल्फा बीटा का मान कैसे निकलेगा दोस्तों। तो सबसे पहले आपको क्या करनी है, अब लिखना, अब हम क्या करेंगे, अल्फा माइनस बीटा बराबर निकाल, अल्फा प्लस बीटा निकला है, अल्फा माइनस बीटा निकाल लीजिए। तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 अल्फा बीटा। ठीक है, अब चलिए मान रख के हल कर लेते हैं। यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर ऐसे ही रहेगा बराबर, अब देखिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकला दोस्तों, 7, तो 7 का क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा बीटा का मान कितना दिया दोस्तों, शून्य को गुणनफल कितना दिया दोस्तों, 12, तो 12 लिख लीजिए बराबर। यहाँ अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, 7 का स्क्वायर करेंगे कितना है दोस्तों, 49, और 12 चौके 48। ठीक है दोस्तों, तो 49 में से 48 घटाएंगे कितना चाहिए दोस्तों, माइनस 1, तो अल्फा माइनस बीटा बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, प्लस 1। तो ये अल्फा माइनस बीटा हो गया, और इसको मान लीजिए समीकरण 4 मान लीजिए, और इसको समीकरण क्या मान लीजिए, 5। तो अब हम इस समीकरण 4 और 5 को हल करेंगे। ठीक है, अब यहाँ लिखिए समीकरण 4 व 5 से, ठीक है, तो घटा दिए, क्या निकले, अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है 7 दिया है, और अल्फा माइनस बीटा बराबर कितना निकला है, 1। इसको देखो बीटा से बीटा कट जाएगा, तो अल्फा अल्फा क्या हो जाएगा, 2 अल्फा जोड़ दीजिए, और 7 एक कितना हो जाएगा, 8। अल्फा बराबर निकालोगे तो 8 बटे कितना आएगा, 2 चौके 8, 4 निकला, अल्फा का मान कितना निकला दोस्तों, 4। बीटा का मान निकाल लीजिए, समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए इसको, तो 4 जब यहाँ रखेंगे तो 4 प्लस क्या हो जाएगा, बीटा बराबर 7। 4 उस तरफ जाएगा तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 7 माइनस 4, तो 7 में 4 घटा कितना निकलेगा दोस्तों, 3। तो अल्फा का मान निकला गया बीटा, तो अल्फा का मान कितना निकला दोस्तों, 4, और बीटा का मान कितना निकला, 3। ठीक दोस्तों, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, और 4 3 12, इन दोनों गुणनफल करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 12 आ जाएगा, 4 3 12। हेलो दोस्तों, तो कैसा लगा वीडियो, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं आपसे संबंधित जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नया चैप्टर लेके, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।